मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन पुरानी जेल पहुंचे और यहां पर मतपत्र पेटी रखी गई है, जिससे राज्य के सभी जिलों में स्ट्रांग रूम में मतगणना की तैयारी चल रही है। 3 तारीख को काउंटिंग है और उन्होंने रायसेन और विदिशा के स्ट्रांग रूम को देखा और भोपाल का स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए बोले और सेंट्स फोर्सेज वहाँ लगाई गई है। हर विधानसभा में 14 टेबल होते हैं और इन टेबल लोगों पर सभी लोगों पर काउंटिंग एजेंट कैंडिडेट होते हैं। पूरी तैयारी चल रही है, पूरे राज्य में काउंटिंग रूम सुरक्षित है, स्ट्रांग रूम में CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने पुराने जेल का निरीक्षण किया और यहाँ पर EVM मशीनें जो रखी गई है इसका भी जायजा लिया। आपको बता दें कि आगामी 3 तारीख को इन मत को पत्र की गिनती की जाएगी, स्ट्रांग रूम में CCTV कैमरे से लैस है। सभी राज्य के सभी जिलों में स्ट्रांग रूम में पोल EVM रखी हुई हैं। मतगणना स्थल की तैयारियां चल रही हैं, 3 तारीख को काउंटिंग है, उसी सिलसिले में हम लोग देख रहे हैं। कल मैं रायसेन और विदिशा का स्ट्रांग रूम देखा और काउंटिंग सेंटर देखा, आज भी भोपाल का देखा। व्यवस्थाएं ठीक हैं, सेंट्रल फोर्सेज लगी हुई हैं, लॉग बुक मेंटेन हो रही है और जो काउंटिंग हॉल्स हैं उनमें अभी व्यवस्था चल रही है, काम चल रहा है। हर जो विधानसभा की काउंटिंग होती है उसमें 14 टेबलें होती हैं और उन 14 टेबल पे जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं वो भी वहाँ होते हैं, कैंडिडेट भी होते हैं, उनके इलेक्शन एजेंट होते हैं और काउंटिंग टीम होती है। देखिए, आज यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और सारी व्यवस्थाएँ सुव्यवस्थित पाई गई। पहले तो जो स्ट्रांग रूम है जहाँ पर EVMs रखी गई हैं वहाँ का भ्रमण किया गया। वहाँ पर स्ट्रांग रूम का जहाँ पर ताला लगा हुआ है ठीक उसी के सामने सारे कैंडिडेट्स की उनके प्रतिनिधियों के रुकने की व्यवस्था है। वहाँ पर लगभग सभी कैंडिडेट्स के प्रतिनिधि मौजूद हैं। व्यवस्था